Do you know about my app? It is Neela Bakore Tutorials. On this, I am conducting live interactive classes with doubt solving sessions and DPPs. The link is given in the description below, so don't forget to download. If you are not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. In this chapter, we have hardka structure, functioning, सर्कुलेशन के टाइप सिस्टम एक और पल्मोनरी सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल ये पूरा पार्ट हमने स्टडी कर लिया अब कार्डियक साइकिल के लिए जो स्टिमुलस है जो स्टिमुलस आता है वो आता है एक स्पेशलाइज्ड मसल से इसे हम बोलते हैं नोड सो हमारे हार्ट में एक नोडल सिस्टम है जो स्टिमुलस का कंडक्शन करेगा तो इस सिस्टम को हम नोडल सिस्टम भी बोल सकते हैं और कंडक्टिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम या नोडल सिस्टम और इसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो सब स्पेशलाइज्ड मसल का है सो so ये जो स्पेशलाइज्ड मसल है उन्हें हम कहते हैं नोड्स और इसीलिए ये नोडल सिस्टम टाइटल दिया है अब इसका लोकेशन अगर हम हार्ट का एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं और इस डायग्राम में बाकी सारी चीजें लेबल नहीं करेंगे पूरा जो फोकस होता है वो सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम या नोडल सिस्टम पर रहेगा सो so, यहां पर वॉल को हमें थोड़ा सा थिक बनाना पड़ेगा सो so दैट जो नोडल सिस्टम है उसे हम प्रॉपरली ड्रॉ करके उसका लोकेशन बता सके So, यहां पर हम बाकी सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और बाकी चीजों को हम लेबल भी नहीं करते हैं जैसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम दो ऑरिकल के बीच में या वेंट्रिकल के बीच में या ये जो वॉल्व्स हैं इन्हें भी लेबल नहीं करेंगे हमें सिर्फ चारों कंपार्टमेंट्स लिखना है सो so, ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये है लेफ्ट Oracle, यहां जो कंपार्टमेंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट right ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल बिकॉज़ हमें लोकेशन स्टडी करने के लिए ये कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट है स्टिमुलस जनरेट करती है वो है एस ए नोड एस ए नोड अब एसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड साइनो एट्रियल नोड इसे हम साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी बोल सकते हैं और यह भी स्पेशलाइज मसल है सी हमारे हार्ट में जो मैसेज है या जो स्टिमुलस जनरेट हो रहा है हार्ट को बीट करने के लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या ब्लड पंप करने के लिए ये मसल से आ रहा है ये जो पूरा सिस्टम है ये मस्कुलर है सो so, ऐसा हार्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस मसल से आता है ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट सो बिकॉज ये ऐसे नोड स्पेश मसल है हमारा जो हार्ट है वो है मायोजेनिक हार्ट मायोजेनिक हार्ट किसे कहेंगे जहां पर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्टिमुलस आता है वो मसल से आएगा सो so ये जो ऐसे नोड है ये एक स्पेशलाइज मसल का बंडल है इसके लोकेशन राइट ऑरिकल की राइट right वॉल पर सो so ये जो हमने हार्ट का डायग्राम बनाया ये सेक्शन है अब अगर ये एक थ्री स्ट्रक्चर है हमारा हार्ट तो ये राइट right ऑरिकल की ये पूरा ऐसा कंप्लीट कंपार्टमेंट बनेगा तो ये जो वॉल है ये राइट वॉल रहेगी यहां पर लोकेटेड है ऐसे नोड सो तो अब यहां तो हम नहीं बना सकते तो हम यहां वॉल में बनाते हैं सो तो यहां पर वॉल में ये ऐसे नोट और यहां से स्टिमुलस जनरेट हो रहा है तो ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं पेस मेकर बारे में आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उन्हें पेसमेकर लगा है अब ये पेस मेकर क्यों लगता है Because हमारे हार्ट में यहां से स्टिमुलस आता है और ये स्टिमुलस आता है 70 टू तो 72 टू टाइम्स एक मिनट में 70 से लेकर 72 या 75 टाइम्स पर मिनट यहां से वो स्टिमुलस जनरेट होता है अब एक बार स्टिमुलस जनरेट होगा तो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब हार्ट बीट सो हमारा जो हार्ट बीट है वो ही 72 के आसपास होता है पर मिनट इसका मतलब हर बार ऐसे नोट से आता है और हमारा हार्ट बीट करता है सो so, यहां जनरेट हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं पेसमेकर कभी कभी ये पेसमेकर प्रॉपर टाइम पर या प्रॉपर इंटरवल पर वो स्टिमुलस जनरेट नहीं कर पाता है तब हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं ए रिदमिया रिदम प्रॉपर नहीं है हार्ट बीट की उस केस में डॉक्टर्स पेस मेकर लगाने के लिए बोलते हैं तो पेसमेकर लगा लगा है। क्या है एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो हमारे ऐसे नोड की तरह काम करेगा वो एक रेगुलर इंटरवल पे स्टिमुलस जनरेट करेगा और उससे हमारा हार्ट बीट करता है अब यहां से ऐसे से स्टिमुलस जनरेट हुआ और ये स्प्रेड होगा राइट ऑरिकल की वॉल पर लेफ्ट ऑरिकल की वॉल पर ये सब जगह स्प्रेड हो गया इसका मतलब यहां से कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज आया और ये पूरे ऑरिकल पर स्प्रेड हो गया ये ऑरिकल की मसल से वेंट्रिकल के मसल्स पे नहीं जा सकता उसका रीजन है ऑरिकल की मसल्स और वेंट्रिकल के मसल के बीच में एक फैट की लेयर है और ये जो फैटी लेयर है इसे हम बोलते हैं एन्यूलर पैड। और फैट हमें पता है कि इंसुलेटर की तरह काम करता है सो so, जो स्टिमुलस है वो बेसिकली एक चार्ज है या करंट की तरह फ्लो करता है तो एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह उस करंट जैसे स्टिमुलस को अगर पास करना है और बीच में अगर एक इंसुलेटर की लेयर है तो वो स्टिमुलस ऑरिकल से वेंट्रिकल पे नहीं जा पाएगा सो so, ये जो एन्यूलर पैड है, ये एक्ट करेगा इंसुलेटर की तरह तो so, अब हार्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ऐसे नोट से स्टिमुलस को ले ले और फिर उसे आगे वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दे सो so, यहां पर कौन सी जगह है इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जस्ट बीच में जहां पर ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्स है वहां पर एक और नोड है इस नोड को हम कहते हैं एवी नोड या ऑरिक्युलो वेंट्रिक्युलर नोड ये भी स्पेशलाइज्ड मसल है सो so, ये ऐसे नोट से जो स्टिमुलस आ रहा है उसे कलेक्ट करेगा सो so, अब ये जो स्टिमुलस है ये पहुंच गया ऐसे नोड के पास अब ऐसे नोड उसे आगे कंडक्ट करेगा और इसीलिए इस सिस्टम को हमने कहा है कंडक्टिंग सिस्टम सो so, ऐसे नोड सॉरी एबी नोड से एक मसल का ऐसा बंडल आता है थिक बंडल है ये बंडल कहाँ जा रहा है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू जाता है मतलब मसल मसल के थ्रू जा रहा है इस बंडल को हम कहते हैं एवी बंडल या इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस ये साइंटिस्ट का नाम है तो या तो एवी बंडल कहेंगे बिकॉज एवी नोड से आ रहा है या साइंटिस्ट के नाम पर बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक राइट right साइड में एक लेफ्ट साइड में दो ब्रांचेस होंगे तो इन्हें हम कहेंगे लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल सो ये वाला जो हो गया ये हुआ राइट बंडल ऑफ हिस और ये जो बंडल है इसे हम कहेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस ये सब मसल है स्पेशलाइज्ड मसल है और अब जो लेफ्ट एंड राइट बंडल्स हैं उससे और डेलिकेट फाइबर्स अराइज होते हैं और ये जो फाइबर्स हैं ये पूरे वेंट्रिकल के वॉल पर स्प्रेड होंगे यहां पर हम सिर्फ वॉल के अंदर बना रहे हैं बट ये जो वेंट्रिकल है ये भी तो पूरा कंपार्टमेंट है तो उसके ऊपर ये फाइबर्स स्प्रेड होंगे और ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम कहेंगे पुरकिंजे फाइबर्स सो कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे पहले जहां से स्टिमुलस ओरिजिनेट हो रहा है उसे हमने कहा ऐसे नोट जो हमारा नॉर्मल पेस मेकर है जहां से स्टिमुलस ओरिजिनेट हो रहा है दोनों ओरिकल पर तो स्प्रेड हो गया बट ओरिकल और वेंट्रिकल के मसल के बीच में एक इंसुलेटर लेयर है जो फैट की है अब उसके बाद आगे भेजना है तो आगे भेजने के लिए एक और नोड है जो उसे कलेक्ट करेगी मतलब आगे जो मैसेज जाएगा वो एवी नोड के कारण जाएगा तो इसे हम कहेंगे पेस सेटर इसे कहते हैं पेस सेटर बिकॉज आगे किस स्पीड से ये जाएगा मैसेज वो ये कंट्रोल करेगा सो so, ऐसे नोड से जनरेट हो गया एवी नोड ने कलेक्ट किया और एवी नोड ने आगे उसे कंडक्ट कर दिया so, हमारी कंडक्टिंग सिस्टम में ब्रांचेस हो जाती है और दोनों ब्रांचेस से फिर आते हैं फाइबर्स जिसे पुरकिंजे फाइबर्स कहेंगे तो कंडक्टिंग सिस्टम क्यों चाहिए बिकॉज ऑरिकल और वेंट्रिकल की मसल्स कनेक्टेड नहीं है So, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक जगह जनरेटेड जो स्टिमुलस है उसे आगे कंडक्ट कर सके तो इसलिए कंडक्टिंग सिस्टम नोडल सिस्टम क्यों कहा बिकॉज़ जो भी स्ट्रक्चर है एस ए नोड एवी नोड बंडल पुरकिंजे फाइबर्स ये सब मसल्स हैं। और हमारे केस में जो स्टिमुलस है हार्ट बीट के लिए वो ऐसे नोड से आ रहा है और ऐसे नोड है हार्ट के ऊपर ही है सो so, मसल से स्टिमुलस आ रहा इसलिए मायोजेनिक कहा और इसीलिए हार्ट को हम किसी की बॉडी से डोनर की बॉडी से निकाल कर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सो so, अगर हार्ट को बॉडी से निकाला सपोज कोई ब्रेन डेड है और उसका हार्ट डोनेट करते हैं सो so, हार्ट को बॉडी से निकाला उसे एक सॉल्यूशन में रखते हैं उसे रिंगर सॉल्यूशन बोलते हैं सो so, हमारा हार्ट हमारी बॉडी के बाहर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कुछ टाइम के लिए और वो इसलिए कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या बीट करने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए वो वहीं पर हार्ट से ही ओरिजिनेट हो रहा है ये ऐसे नोड से हो रहा है और इसीलिए इस हार्ट को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह डोनर की बॉडी से निकाल के रेसिपियंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल होता है बिकॉज हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है मसल से स्टिमुलस ओरिजिनेट होता है और वो मसल हार्ट में ही लोकेटेड है सो so ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम कहेंगे कंडक्टिंग सिस्टम या नोडल सिस्टम और हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है बिकॉज मसल है जहां से स्टिमुलस ओरिजिनेट हो रहा है